हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ड्रीम्स। टुडे वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 5.1, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस इन कंपेयरिंग द सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशंस। इट मींस व्हेन वी ऑब्जर्व द लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल ए बी इज द लाइन सेगमेंट। When we only observe the line segment by seeing the line segment, so we can't estimate the length of this line segment is to be proper. So comparing the line segment by only observation, or we can say that by only viewing the line segment is not so accurate, because only by seeing the line segment we can't proper estimate the length of line segment. So that chances of errors are more by only viewing the line segments. So this is the answer of this question number first. Now we have the question number 2. Why it is better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? जब हम line segment की length को measure करते हैं तो better कौन सा रहेगा, divider या रूलर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइन सेगमेंट दी हुई है पी क्यू, जब हम इसको मेजर करेंगे रूलर से, रूलर इसके ऊपर रखेंगे, हम इसके साथ साथ रखेंगे, तो हमें इसकी लेंथ का प्रॉपर पता नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि जब हम मेजर करेंगे, हमारा व्यूइंग एंगल अगर इसके ऊपर होगा, यहाँ पे होगा हमारा व्यूइंग एंगल, ये हमारी आंख है, जब हम यहाँ से देखेंगे तो एक्यूरेट दिखेगा, लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो व्यूइंग एंगल डिफरेंट होने की वजह से, या फिर यहाँ से देखेंगे जब हम व्यूइंग एंगल यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे, तो हमें प्रॉपर पता नहीं चलेगा इसका लेंथ का, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तभी हमारे हमको लेंथ का पता चलेगा, नहीं तो जो हमारे ये हो जाएंगे, ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। डिवाइडर से जब हम इसको लेंथ को मेजर करेंगे, जैसे लाइन सेगमेंट यही है पी क्यू, जब हम डिवाइडर को रखेंगे इस पे, और ये जो डिवाइडर जितना भी ओपन होगा, व्हेन द डिवाइडर इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द स्केल, देन वी कैन गेट the proper measurement of the line segment by using the divider. Okay, so divider is better option than the ruler. So we can say that in answer, it is better to use a divider than a ruler, because in case of ruler our viewing angle
मस्ट बी ऑन दी वर्टिकली अबव दी मार्क. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3. ड्रा एनी लाइन सेगमेंट. हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है से ए बी. ए बी हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है. टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन दी ए एंड बी. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ए बी. दिस इज ए, दिस इज बी. ए बी टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन दी ए एंड बी. ई एंड बी के बीच में हम सी पॉइंट ले लेंगे. सी मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी. अब ई बी हम इसको जैसे ले लेते हैं ए सी. ए सी को हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं. देखो ए सी कम है ना सी बी से, इसको हम 5 ले लेते हैं. देन ए बी, ए बी की लेंथ कितनी होगी ए सी प्लस सी बी. थ्री प्लस 5 इक्वल टू 8. क्यों होगी? देखो आगे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है. इज ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी. ये क्या था? ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी. देन वी कैन से दैट यस, हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ना इज ए बी इक्वल टू सी ए सी प्लस सी बी. यस यस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी बिकॉज द पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी. सो दैट ए सी एंड सी बी टूगेदर मेक्स ए बी. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.